मिटाए ना मिटे तो लाख मिटा लाख मिटाए ना मिटे लिखे विधि के लेख और भले जतन पे कर जतन कोट जतन कर देख और होनी के आगे भैया अच्छे अच्छों ने घुटने टेके हैं होनी के आगे अच्छे अच्छों ने घुटने टेके हैं एक नहीं कई ऐसे चर्चे हमने सुने ने क्या होता है क्या? हमारे परम आदरणीय सम्मानीय शिवराज सिंह जी पटेल चौधरी साहब भाजपा आपकी ओर से 101 रुपए की राशि हार्दिक अभिनंदन। भूल कर भूल से भी कोई ऐसी भूल मत करना, भूल कर भूल से भी कोई ऐसी भूल मत करना और कभी सच्चाइयों में झूठ को कबूल मत करना। भूल कर भूल से कोई कभी ऐसी भूल मत करना और कभी सच्चाइयों में झूठ को कबूल मत करना। अरे ये फूल है वरना उस भूल पर तुम जिंदगी भर पछताओगे। अरे ये फूल है इसको मसल के धूल मत करना। बड़े कम समय में एक बड़ी सुंदर गाथा आपके समक्ष। एक दिन राजा महाराज दशरथ वन में शिकार करने जाते हैं और शिकार के लिए घूमते 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 आखिर जब हैरान हो जाते हैं, सेना अलग हो जाती है, महाराज अकेले अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की सीमा के बाद दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं। राजा प्यास से व्याकुल होते हैं। देखिए क्या होता है। अंग देश के राजा रोमपाद की राजधानी में पहुंच जाते हैं। प्यास से व्याकुल होकर राजा दशरथ की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। बहुत परेशान हो गए। राजा दशरथ की नजरों में एक तालाब दिखाई देता है। वह तालाब श्रृंगी ऋषि के आश्रम के करीब था। योगवश वह तालाब श्रापित था। महाराज दशरथ ने जैसे ही जल में प्रवेश किया और जैसे ही जल में डुबकी लगाई तो राजा दशरथ नारी बन जाते हैं। क्या हो? और जैसे ही नारी का रूप राजा दशरथ ने, इतनी सुंदर नारी, उसी समय राजा रोमपाद आ जाते हैं। क्या होता है? क्या होता है? ओ महाराज रोमपाद उस नारी से पूछने लगे कि मन में तो आप कौन है और कहां से आई है, इतनी सुंदर इस तालाब के किनारे क्या कर रही है? रानी राजा रोमपाद को कहने लगी, राजन क्या तोला मिला दे सिर्फ ना साथिया। साथिया
हर आंख से झलका दो, अरे आंख से झलका आटो और जा झलका ताला, आंख से झलका आटो और जा झलका आटो, अरे आंख से झलका आंख से झलका, अरे आंख से झलका आंखों पर जा झलका तला, आंख से झलका अरे आंख से झलका आटो और जा झलका ताला, झलका आटो और जा झलका ताला, आंख झलका आटो और जा झलका ताला, ओ ओ नरसो देखो है बन गए के तुम रहने वाले, कौन कहा के तुम रहने वाले, कौन कहा के तुम रहने वाले, ओ बोल नहीं मुँह खोले, बोल नहीं मुँह खोले, बोल नहीं मुँह खोले, कुछ भी ना कहे जवाब में, अरे आंख से झलका आओ और जा झलका तालाब में, हमारे परम सम्मानीय यशवंत सिंह जी पटेल साहब मास्टरपा आपकी ओर से 101 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। क्या होता है महाराज, रोमपाद कहने लगे, अरे बोल तू मीठे बोल, तू दूर से बोल सोनिए, अरे बोल तू मुंह से बोल, अरे सोनिए, और भेद दिलों के खोल छोड़िए, बोल तुम्हें भेद छोड़िए, भेद दिलों के खोल छोड़िए, बोल भेद दिलों के खोल छोड़िए, जीवन है अनमोल सोनिए, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, कौन कहा कि रहने वाली हो, अरे भेद दिलों के खोल सोनिए, बोल
कुछ नहीं बोलने में समर्थ है, कहते हैं महाराज क्या मुझे कुछ खबर नहीं है मैं कौन हूँ। ओ कितना प्यारा तुम्हें, हर कितना प्यारा तुम्हें विधि ने बनाया, और जी कर देखता रहो कितना प्यारा तुम्हें विधि ने बनाया। कितना व्याकुल देखो होकर होगा पानी पानी, और इतना हारा है बिन मारा मर गया राजा गानी। कितना प्यारा तुम्हें किसी ने बनाया, और महाराज रोम भाग उस नारी से कहते हैं इस तालाब के किनारे बैठकर क्या करोगी, चलो मेरे महलों में तुम्हें पालने में झुलाऊंगा और शादी का प्रस्ताव रख देते हैं। विधिवत राजा रोमपाद के साथ दशरथ रूपी नारी का विवाह संपन्न होता है। क्या होता है देखिए, हो ये महाराज बने सजना, हाँ बने महाराज बने सजना, हाँ बने महाराज बने सजना, महाराज बने महाराज दशरथ से जो रानी नारी रूप में थे, राजा रोमपाद से उस नारी के यहाँ एक कन्या का जन्म होता है जिसका नाम शांता रखा जाता है। इधर मंत्री सुमंत और सारी सेना महाराज को खोजते खोजते श्रृंगी ऋषि के आश्रम पे जाती है, और महाराज श्रृंगी ऋषि सब जानते थे। महाराज बने सजना, बने महाराज बने सजना, बने महाराज बने सजना, बने महाराज बने सजना, बने। क्या होता है, किस कदर है कदर है सर्वस सुंदर, और सर्वस कहाँ से आए सुंदर, 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 और सुंदर का के आगे सुंदर क्या तो हो। आगे क्या होता है, राजा सुमंत को ये मालूम होता कि राजा दशरथ राजा रोमपाद के यहाँ नारी रूप में है। महाराज दशरथ जो नारी रूप में थे तालाब के किनारे लाए जाता है, और श्रृंगी ऋषि के कहने से उसी तालाब में फिर डुबकी लगाने से महाराज ज्यों के त्यों हो जाते हैं। लेकिन
राजा रोमपाद ने जो शर्त रखी थी कि जो संतान तुमसे उत्पन्न होगी वो संतान तुम्हारे पास रहेगी। वह शांता नाम की कन्या को लेकर महाराज दशरथ अपनी अयोध्यापुरी को आए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। एक छोटा सा राष्ट्रीय गीत आपके सामने। क्यों भैया, अपन तो घर के हैं, घर की मुर्गी दाल के बराबर। बड़े अच्छे अच्छे मंडल अपने सामने हैं, हम उनकी सुंदर सुंदर रचनाएं सुनेंगे। अपन तो सुने सुनाए हैं और जिन्हें हम सुनने के लिए आए हैं उनके भजनों का आनंद लेंगे। तो जय हो भारत देश की, भारत भूमि महान। अमर रहे जग में सदा प्यारा हिंदुस्तान। कहना है, अरे गांव क्या, घर घर गली संदेश होना चाहिए। गांव क्या, घर घर गली संदेश होना चाहिए। और साफ सुंदर स्वच्छ हर परिवेश होना चाहिए। और शेष कुछ भी ना रहे ये विशेष होना चाहिए। और फूल सा निर्मल हमारा देश होना चाहिए। क्या बात है, बस यही खाओ कसम। कह दो धर्म ईमान से, ये वतन तेरी हिफाजत हम करें जी जान से। और खून का एक एक कतरा बोले वंदे मातरम। खून का एक एक कतरा बोले वंदे मातरम। हम जिए तेरे लिए और मर मिटेंगे शान से। निवेदन करूंगा दो मिनट के बाद आगामी मंडल का आप सूचित करें तो आना है। हरि भजन मंडल रढ़ाल सम्मानी कमल भैया बिल्कुल तैयार रहे। तो हर कमल बना रखेंगे, रुकेंगे ये वतन तेरा।
वतन तेरे लिए, ये वतन तेरे लिए।